हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज का वीडियो है मेरा फ्रिज की क्लीनिंग का। जैसा कि आपने टाइटल देख ही लिया है कि मैं फ्रिज को अपनी डीप क्लीन करने जा रही हूं, तो मैंने सोचा चलो मैं आपके साथ भी ये वीडियो शेयर कर देती हूं कि शायद आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाए। और हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेड कलर के बटन को प्रेस ज़रूर करिएगा, और नोटिफिकेशन जो आता है बेल बटन उसमें ऑल में ज़रूर क्लियर करिएगा, जिससे मेरे सारे वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, तो फिर चलिए जल्दी से देख लेते हैं मेरे फ्रिज की क्या कंडीशन है और मैं उसको कैसे क्लीन करती हूँ। चलिए फिर जल्दी से वीडियो में मूव ऑन करते हैं। तो ये देखिए, ये है मेरी पूरी फ्रिज का व्यू, और पूरी फ्रिज इस समय फैली हुई है, गंदी है। मैंने काफ़ी टाइम हो गया, 10 से 15-20 दिन हो गए हैं मैंने फ्रिज क्लीन नहीं की है। तो मैं सोच रही हूँ आज फ्रिज को डीप क्लीन करते हैं, मतलब कि बहुत अच्छे से क्लीन करते हैं सब कुछ निकाल करके। तो मैं ये सारी ट्रेस पहले निकाल लूँगी जो कि इसमें ट्रे लगी होती है। सब कुछ निकालने के बाद मैं इसको अच्छे से वॉश करूँगी। तो पहले मैं यहाँ पर ट्रे निकाल रही हूँ। कभी भी आप डीप क्लीन करिए तो पहले आप एक एक करके सारी ट्रे निकाल लीजिए, उसके बाद मैं ये सारा सामान निकाल लूँगी। ये यहाँ पे मेरा जितना भी सामान है वो रखा हुआ है, और फिर मैं इसको एक एक करके पोछूँगी, फिर मैं इसको यहाँ पे सेट करूँगी। तो बस मैंने यहाँ सामान निकाल लिया है। मैंने फ्रिज को पहले ही बंद कर दिया था, और फ्रिज को बंद करने से क्या था कि मेरा जो फ्रिज का टेम्परेचर है वो भी नॉर्मल हो गया था। मैं अपनी फ्रिज में ही सूजी वगैरह भी रख देती हूँ, सूजी और बेसन, तो क्या है कि वो बहुत टाइम तक बने रहते हैं, ख़राब नहीं होते हैं। तो ये है सूजी का डिब्बा जो कि मैं इस समय निकाल रही हूँ, और मैंने ट्रे को निकाल लिया है। अब मैं इसको रख दूँगी वॉश बेसिन में, और फिर मैं इसको अच्छे से साफ़ करूँगी। तो इस तरह से करके मैं सारा सामान निकाल रही हूँ। और ये जो नीचे आप स्टील का ढक्कन वाला डिब्बा देख रहे हैं वो है ओट्स का डिब्बा। तो मैं ओट्स का डिब्बा भी फ्रिज में ही रखती हूँ, मतलब कि ओट्स जो है वो फ्रिज में रख देती हूँ, जिससे वो ख़राब नहीं होता है, काफ़ी टाइम तक अच्छा बना रहता है, कीड़े वीड़े भी नहीं होते हैं। तो इस तरह से मैं फ्रिज में सामान रख लेती हूँ स्टोर करने के लिए। थोड़ी छोटी है फ्रिज, बट ठीक है, दो लोगों के लिए चल जाता है। और अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ साफ़ करने के लिए। तो मैं इसको पहले सोप लगा करके साफ़ करूँगी, और फिर सूखने के लिए इसको रख दूँगी, जिससे कि इसका जितना पानी एक्स्ट्रा है वो सूख जाएगा, निकल जाएगा। फिर मैं इसे पोंछ करके अपनी फ्रिज में सेट करूँगी। अब जब तक हमारा जो ट्रे है वो सूखेगा, उसका पानी सूखेगा, तब तक हम अपनी फ्रिज को क्लीन कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक स्कॉच ब्राइट लिया है सॉफ्ट वाला, और उसमें थोड़ा सा सोप लगा करके अपनी फ्रिज को अच्छे से रगड़ के साफ़ करूँगी। जो भी उसमें सूखा हुआ लगा है, दूध गिर गया है या कुछ भी है, डस्ट है, डर्ट है, वो सब कुछ मैं इससे रगड़ते हुए पहले गीले कपड़े से पोछूँगी, और फिर उसको मैं सूखे कपड़े से पोछूँगी। तो पहले मैं उसको साफ़ कर रही हूँ, और फिर मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ।
तो अब हमारी फ्रिज अच्छे से पुज गई है और हमारा जो ट्रे है वो भी सूख गई है। तो अब हम सारी ट्रे को पोछते हुए सूखे कपड़े से पोछेंगे और सेट करते जाएंगे। जब हमारी सारी ट्रे सेट हो जाएगी तो हम उसमें अपना सामान सेट करेंगे। फ्रिज की जो डिग्गी है यानी बास्केट है वो मैं कल रात ही निकाल के पूरा साफ़ करके मैंने उसको वॉश करके उसमें नई सब्जियां लेकर के आई थी वो मैंने भर करके रख दिया है। मैं उसका वीडियो रिकॉर्ड करना भूल गई थी और ये वीडियो मैं आज शूट कर रही हूँ, तो मेरी बास्केट जो है वो साफ़ है और क्लीन है। तो ये जो क्रीम की डिब्बी आप देख रहे हैं ये वही फ्लेक्सीड्स वाला जेल है जो कि मैंने आपको अपने चैनल में बताया था बनाना। ये बहुत ही अच्छा जेल है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। नहीं देखा है तो उसको ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा। ये होममेड जेल है, बहुत ही अच्छा है। और मेरी जो घर में चटनी रहती है तो जो जो सामान है वो सब कुछ मैं फ्रिज में सेट कर दे रही हूँ जैसे जैसे मुझे सेट करना है। तो जितना भी सामान डिक्लैटर वाला था वो मैंने निकाल के हटा दिया है वेस्ट वाला, और अब मैं फ्रिज को बंद करके बाहर भी सूखे पहले गीले कपड़े से पोछूंगी और फिर कपड़े से, इस तरह से फ्रिज जो है वो चमकदार हो जाएगी। तो इसी के साथ मेरा आज का वीडियो फ्रिज क्लीनिंग का फिनिश होता है और मिलती हूँ मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग नए वीडियो और व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।